क्रिकेटर मोहम्मद आमिर की वालिदा इंतकाल कर गई। मरहूमा दो दिन से निजी अस्पताल में जेरे इलाज थी। मोहम्मद आमिर की वालिदा दिल के आर्जे में मुब्तला थी। अहले खाना मरहूमा की मैयत लेकर आबाई इलाके को रवाना। कौमी क्रिकेटर्स का वालिदा के इंतकाल पर मोहम्मद आमिर से इजहार अफसोस। LWMC ने डेडलाइन खत्म होने के बाद मजीद वक्त मांग लिया। 500 गाड़ियां और 8000 वर्कर्स इन एक्शन, नतायज नजर ना सके। MD LWMC खालिद नजीर वट्टू कहते हैं, शहर को मुकम्मल साफ सुथरा बनाने के लिए मजीद एक रोज लगेगा। 4 रोज में 10,000 टन कूड़ा उठा लिया। सफाई का अमल जल्द मुकम्मल करने के लिए दीगर महकमों की भी खिदमात हासिल की गई हैं। कूड़ा करकट डंप करने के लिए लैंडफिल साइट पर भी खसूसी इंतजाम किए गए। शहर में तरक्याती काम बेसूद। ताजपुरा बर्फखाना चौक में नाकिस सेवरेज सिस्टम, इलाका मकीन अजियत का शिकार। मकीन कहते हैं, 3 बरस से सेवरेज सिस्टम खराब है, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। CTO की मातहत अमले से मुबैना बदतमीजी। ड्यूटी तब्दील करने की दरख्वास्त पर CTO ने गालियां दी, धक्के मारे। वार्डन खुरम का इल्जाम दास्तान सुनाते हुए वार्डन रो पड़ा। मुगलपुरा सेक्टर में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। CTO कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक कहते हैं, वार्डन खुरम को उसकी मर्जी की जगह पर तैनात किया। 2 रोज बाद फिर तबादले की दरख्वास्त दे दी। बदसलूकी वाला कोई मामला नहीं, तर्जुमान सिटी ट्रैफिक पुलिस का कहना था। मामले की इंक्वायरी SP सिटी ट्रैफिक कर रहे हैं। बहार, रंग और खुशियों का मौसम आ गया। शहर में जश्न बहारा का हो गया आगाज। लाहौर ये म्यूजिकल नाइट, सकाफती रक्स और आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा देखने के लिए हो जाएं तैयार। 5 बड़े पार्क्स में मिनी सर्कस और फूड गाला का भी होगा इनाकाद। तकरीबात 28 मार्च तक जारी रहेंगी। PHA ने शेड्यूल जारी कर दिया। फंड्स की कमी, स्कूलों पर भारी पड़ने लगी। सरकारी स्कूलों के इमरजेंसी में इतला देने वाली सिमें बंद। 6,000 सिमें अदम अदायगी के बायस बंद हुई। असातजा कहते हैं, 6 माह से सरकारी स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट नहीं मिला। हम अपनी तनख्वाहों से ये सिम्स ऑन नहीं रख सकते। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के हुक्काम कहते हैं, फंड्स की मंजूरी हो गई, 1 हफ्ते में नॉन सैलरी बजट जारी कर देंगे। फंड्स की कमी, तरक्याती मंसूबों में भी रुकावट बन गई। 1 मोरिया पुल और सर्कुलर रोड तौसीही मंसूबा भी मुश्किलात का शिकार। तामीरात का आगाज करवाने के बाद फंड्स रोक लिए गए। लैंड एक्विजिशन के लिए 37 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई थी। वफाकी हुकूमत सूबों के हकूक गजब कर रही है। मुझे पता है कि पंजाब में भी अपोजिशन को 1 नलका तक नहीं दिया जा रहा। मुल्की हालात के पेश नज़र अभी चुप हैं। सियासत करने पर आए तो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत का इजलास, जनूबी पंजाब से पंजाब के दौरों का आगाज करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। इत्तेहादी हुकूमत के मामलात और पार्लिमानी अमूर ज़ेरे बहस आए। हुकूमती मामलात मुशावरत से चलाने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में MNA चौधरी मोनस इलाही भी मौजूद रहे। पंजाब असम्बली का स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेरे सदारत इजलास। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज, वज़ीर कानून राजा बशारत, फयाज़ुल हसन चौहान, अब्दुल अलीम खान और दीगर की शिरकत। हुकूमत को सुबकी का सामना, वज़ीर आला की मौजूदगी के बावजूद कोरम पूरा ना हो सका। PSL 4 को लाहौर से कराची मुंतकिल करने से दुनिया को बुजदली का तासुर गया। फैसले पर नजरसानी की जाए। अफवाज पाकिस्तान और अवाम किसी भी खतरे से निमटने के लिए तैयार हैं। वारिस कल्लू का खिताब, खिलाड़ियों का सामान एयरपोर्ट पर ना पहुंचने पर मैच मुंतकिल किए, राजा बशारत का जवाब। जब भी कौम पर कड़ा वक्त आया सब एक हो गए। मुल्क की तमाम सियासी जमातें मुल्की मामलात पर मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया। भारत को समझना चाहिए कि अमन नहीं तरक्की का रास्ता है।
तरक्की के लिए मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर बात करना पड़ती है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले हमें जब भी चैलेंज किया गया तो मुसल्ला अफवाज ने कौम को मायूस नहीं किया। मनपसंद महकमों की फरमाइश, 38 पार्लिमानी सेक्रेटरीज को महकमे अलॉट ना हो सके। वजीर आला पंजाब ने 38 पार्लिमानी सेक्रेटरीज का नोटिफिकेशन 7 फरवरी को जारी किया। जराय का कहना है कि पार्लिमानी सेक्रेटरीज की मनपसंद महकमों की फरमाइश पर मामलात ठप हो गए। बेशतर पार्लिमानी सेक्रेटरीज महकमों की अलॉटमेंट ना मिलने पर बददिली का शिकार। वजीर आला ने बिगड़े मामलात हल करने के लिए वजीर आजम से मदद मांग ली। पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से अब्दुल अलीम खान की मुलाकात, मौजूदा सियासी और सरहदी सूरतहाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सूबाई वजीर कानून बशारत राजा, चौधरी जहीरुद्दीन और शुएब सिद्दीकी भी मौजूद रहे। PSL मैचेस की टिकटें, शायकीन की परेशानी खत्म। ऑनलाइन टिकट लेने वालों को घर बैठे रकम मिलेगी, चंद रोज में रकम अकाउंट में मुंतकिल होंगी। दीगर को 18 मार्च से TCS सेंटर जाना पड़ेगा, PCB ने शेड्यूल जारी कर दिया। उधर PSL के लिए रेलवे का खसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला, लाहौर से कराची के लिए इजाफी कोचेज लगाई जाएंगी। जल्द ही टिकट्स रिजर्वेशन सेंटर्स दस्तयाब होंगे, ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत भी होगी। रेलवे हुक्काम, फजाई ऑपरेशन की मौतली के आफ्टर शॉक्स, एयरपोर्ट तो खुल गया लेकिन मुसाफिरों की परेशानी कम न हुई। कभी तैयारों की कमी तो कभी दीगर तकनीकी वजूहत, फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर ना सका। 32 परवाजें उड़ान ही न भर सकी। अमेरिका, कनाडा, यूरोप समेत दीगर ममालिक जाने वाले मुसाफिर परेशान। टिकटों के हसूल और सीट कन्फर्मेशन के लिए कौमी एयरलाइन के दफ्तर में रश रहा। फजाई मुसाफिरों को धचका, PIA समेत निजी एयरलाइंस के किराए आसमान से बातें करने लगे। कराची जाने के लिए PIA का दो तरफा किराया 40 से 45 हजार रुपये मुकर्रर। लाहौर से सिरेन एयर का किराया 38 से 40 हजार रुपये रखा गया। एयर ब्लू कम अज कम किराया 37 से 39 हजार रुपये तक वसूल करने लगी। ट्रैवल एजेंटों ने फजाई ऑपरेशन की मौतली को महंगी टिकटों का जिम्मेदार ठहरा दिया। अच्छा लगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान आके अच्छा लगा है, 4 दिन से यहाँ पे थे, हमको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ते खुले, हम चाहते हैं कि आगे भी अमन शांति रहो, इस रास्ता चलता रहे। अमन पसंद मुल्क का एक और आसन इकदाम, भारतीय जारियत से बंद ट्रेन भी चला दी। समझौता एक्सप्रेस 185 मुसाफिरों को लेकर लाहौर से भारत रवाना हुई। मुसाफिरों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, समझौता एक्सप्रेस के जरिए 12 पाकिस्तानी मुसाफिर भारत से वाहगा बॉर्डर पहुंचे। कोई भी भारतीय मुसाफिर नहीं आया, मुसाफिर अपने वतन वापस पहुंचने पर खुश। और खित्ते में मोदी ने चुलबुल पांडे बनने की नाकाम कोशिशें की। मोदी 30 सीटें इजाफी जीतने के ख्वाहिशमंद थे, पूरा इलेक्शन सत्यानाश करा लिया। अभिनंद का तैयारा मोदी और भारत की जिल्लत का इस्तारा बनकर सामने आया। सूबाई वजीरे इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का अलहमरा में तकरीब से खिताब, कहते हैं भारत ने 28 फरवरी की रात 4 मकामात पर मिसाइल हमला करने का मंसूबा बनाया, हमने 12 मकामात का तायुन कर लिया। 12 मकामात की रिपोर्ट मिलते ही मोदी का मंसूबा रफू चक्कर हो गया।